आप लोगों से सबसे मेरी वाकफियत बहुत पुरानी है, आज की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन लीडरशिप फोरम के बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूर चाहूँगा। मेमन लीडरशिप फोरम सन 2000 में कायम हुआ, सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। और उसमें अगर आप 2 साल कोविड के निकाल दें जिसमें हम बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकें, 1.5-2 साल, तो ये 2-2.5 सालों की हमारी कारकर्दगी जो अख्तर ने बताई है। और जो हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव है, हमारे आसिफ इस्माइल साहब ने, आजिब उस्मान परदेसी ने, अयाज मंदूकरे ने, अख्तर भाई की सरबराही में काम शुरू किया। ये पहला प्रोजेक्ट है किसी भी मेमन बिरादरी का। उसके बाद अब तो काफ़ी लोगों ने हमें फॉलो किया, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र है कि ये MLF ने शुरू किया और ये आज हम आपके पास भी इसी के लिए जमा हुए हैं। मैं अपने ये बता दूं कि जैसे अख्तर ने बताया 50 मुल्कों में नहीं बल्कि इस वक्त हम 55 कंट्रीज़ में मौजूद हैं। और जनवरी 2020 में PC में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 रोज़ा, जिसमें 35 मुल्कों से 118 लोग आए थे और पाकिस्तान से करीबन टोटल सेशंस के मिला के 6000 लोग थे, जिसमें ये दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की मेमन हिस्ट्री में आज तक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कभी हुई नहीं है। और लगता है हम खुद भी अब नहीं कर सकेंगे। उस दिन हाजी मसूद से मेरी यही बात हो रही थी, वो हमने कैसे कर ली। अल्लाह का शुक्र था, हिम्मत थी, तो तमाम लोगों ने मिल के यूनिटी से एक टीम वर्क के साथ काम किया, जिसमें तमाम उस टाइम के गवर्नर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, सदर पाकिस्तान सब आए और बहुत अच्छे तरीके से ये MLF का इब्तदा हुई। और MLF ने काफ़ी काम किया। आप गवर्नर हाउस में जो मोटरसाइकिलें हमने साफ़ी बरदरी को दी थी गवर्नर साहब के हाथों में, उसमें भी आप कराची प्रेस क्लब के लोग थे मौजूद। और दूसरा मैं ये अपने बारे में बता दूं कि मैं चेयरमैन हूँ हाजी रज़ा जानू मेमोरियल ट्रस्ट का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रस्ट है फॉर आई चैरिटी एंड सर्जरी। तो और अभी तक पिछले 35 सालों में हम लगभग कोई 1 करोड़ और 5 लाख लोगों का इलाज कर चुके हैं और 3,65,000 लेज़र सर्जरी कर चुके हैं, जो बिनाई की 42 लोगों की हो चुकी है। लेकिन इसमें टोटल में हमारे जो कंप्यूटर के रिकॉर्ड में, जैसा अख्तर ने बताया, मैं बताऊं कि टोटल मेमन जो हम एक्चुअली OPD को तो नहीं गिनते हैं, वो तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो सर्जरी है उसमें 2100 कुछ मेमनों ने फ़ायदा उठाया। बाकी समझे 3.5 लाख से ऊपर सर्जरी नॉन मेमन्स की है। तो मैं आपको अभी मैं ऑफ़र करता हूँ, हमारे ट्रस्ट की तरफ से ऑफ़र करता हूँ कि आप एक मीटिंग मेरे साथ रख लें, मैं अपनी टीम को लेके आऊँगा। आपकी फैमिली, बच्चे, एक दिन का आप यहाँ पे आई कैंप रखें और उसके बाद जिनकी सर्जरी होगी उनको हम हमारे मोतिया का लेज़र का करते हैं और दूसरा हम कॉर्निया का भी करते हैं। अगर कॉर्निया ग्राफ्टिंग करनी होगी तो वो भी कर देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। कॉर्निया श्रीलंका से मंगाना पड़ता है। ये टोटली फ्री होगा और मुफ्ती साहब बजात है ख़ुद 1 हफ़्ता हमारे साथ काम करके ये देख चुके हैं हमारा काम। तो आप लोगों को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारी सीज़न अगले महीने अक्टूबर से शुरू हो रही है, 19 कैंप लगते हैं फरवरी तक। और बांग्लादेश में हम 25 कैंप लगा चुके हैं, ये 362 कैंपों में, लेकिन उसके बाद एंटी पाकिस्तान पॉलिसी की वजह से वहाँ पे हमने कैंप बंद कर दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हुकूमत चेंज भी नहीं हुई है, नया अबूरी वज़ीर आज़म आया है और मुझे दावतनामा आ गया है, क्योंकि उनको पता था कि तो हम इंशाल्लाह बांग्लादेश में भी 3 कैंप इस साल लगाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कराची प्रेस क्लब में एक दिन रख लें। वो उसके लिए एक पूरा प्रोफेशनल निज़ाम है हमारा, डॉक्टर और हमारे वॉलंटियर में लेके आ जाऊंगा। आप एक दिन किसी दिन रख लें। पहले OPD होगी, फिर जो होगी सर्जरी होगी, उनकी BP शुगर चेक करके पूरा ऑपरेशन के लिए तैयार करके फिर हम आपको टाइम दे देंगे। हमारी गाड़ी आएंगी, आपको ले जाएंगी, फिर वापस ड्रॉप कर जाएंगी, फिर 1 हफ्ते के बाद पूरा उनका फॉलोअप होगा। उसमें कोई नो कम्प्रोमाइज़ इन मेडिसिन, नो कम्प्रोमाइज़ इन लेंस, नो कम्प्रोमाइज़ इन एनी टाइप ऑफ क्वालिटी। सर्जन भी बेस्ट हैं, तो वो हम आपके साथ, ये मेरा पर्सनल है कि हम उसमें मेमन MLF का ही लोगो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अच्छा है मेमन MLF की तरफ से प्रेस क्लब के साथ हम ये करें। लेकिन आँखें हैं तो जान है, वरना जग सुनसान है, ये तो आपको पता है। आँखें थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें, क्या होता है। आप कैंप में हमारे आके देखें, जो अंधे आते हैं और दूसरे दिन फिर जब उनकी बीनाई बहाल हो जाती है और जाते हैं तो बस दुआएं देते हैं। तो ये हमारे वाले साहब कहते थे, दिस इज़ आवर इंश्योरेंस फॉर द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन हमारी दूसरी तो बहुत कोताहियाँ हैं हाजी साहब, नमाज है कि ज़कात है कि दूसरी चीज़ें हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन खिदमत खल्क में अगर आप हुकूकुल इबाद में अगर आप जाओगे ना तो फिर उसमें मेरा ख्याल है अल्लाह ताला के को भी रहम आएगा हमारे ऊपर और कोई हिसाब किताब होगा नहीं। तो ये मैं आपको कहता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएं हमारे ट्रस्ट का, और बहुत काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ। ये मेरे वाले साहब कराची चैम्बर के सदर रह चुके हैं, फेडरेशन के रह चुके हैं, तो नहीं उसको फिर 2 महीने लगे आपकी मीटिंग और हमारी हो जाएगी, उसके बाद 2-2.5 महीने लगेंगे क्योंकि अक्टूबर से हमारी सीज़न शुरू होती है। तो हम बीच में कोई ऐसा स्लॉट निकाल लेंगे आपके लिए, नवंबर में दिसंबर में हम कर लेंगे। तो ये तो है, बाकी हेल्थ कार्ड है, इसमें आप फ़ायदा उठाएं। इसमें 5 लाख तक की कवरेज है और एक हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे आपके इलाज करा सकते हैं और 150 हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान भर में जिसमें आप जा सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो हमारे बंदूकड़ा और अख्तर भाई से आप पूछ सकते हैं, जावेद मेमन साहब सब आपको गाइड कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह एक शुरुआत है। और हम चले शुरुआत करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे बढ़ता जाएंगे। मुझे याद है वो जब मैं पहली दफ़ा चेयरमैन बना था ना रीप का, तो ये इन्होंने मीडिया वालों ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी और फिर बाद में वो हाइप ऐसी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हमने चैम्बर और फेडरेशन को पीछे नहीं छोड़ दिया था। और इतना ये मैं इनका मशहूर हूँ मीडिया वालों को, बाकी इतनी बातें करने। आज ये मसूद साहब मेरे को आंखें दिखा रहे हैं क्योंकि चेयरमैन को जाना है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मैं नहीं मगर नहीं नहीं एक मिनट किसी दिन हाजी साहब किसी दिन आप सेशन रखें तो हम आपसे बहुत ही खुल के लंबी बातें करेंगे। आप बल्कि आप हमारे यहाँ हैं, हम डिनर लंच रखते हैं और आप थोड़ा सा बता दें या आप 100 कार्ड हम आपको दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर अयाज आप बोलना चाहते हैं बोल लें। आपके जो भी मसाइल होंगे हम हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। MLS पाकिस्तान चैप्टर बात हो रही है सहाफ़े की, तो हम जो मेमन बिरादरी है जिनके एजुकेशन के इदारे चलते हैं, हेल्थ के चलते हैं और माशाल्लाह जितनी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, इंसान की नज़र एक महदूद होती है, एक हद तक होती है। तो सहाफ़ी जो मीडिया वाले हैं इनको ये जो 2-4 सालों के अंदर जो सिस्टम आया है, तो आप हमारे जितने अच्छे काम हैं इनको पॉजिटिव तरीके से जो आप बयान करते हैं तो एक छोटा सा काम बड़ा होकर नज़र आता है। तो ये जो जितने हमारे जो बैक के अंदर थे, देखिए हमारे मेमन के अंदर एक चीज़ बहुत बड़ी यानी कि वो थी कि वो इनको मीडिया का फोबिया बहुत था। जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले, कभी मीडिया पे नहीं आए थे, मगर 2-2.5 साल से जब से हम आए हैं, हालांकि हमारे ऊपर कुछ वो भी लगे कि आप हर काम करते हैं मीडिया, हम देखते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा छोटा काम बहुत बड़ा यानी कि हो गया। और वो बोलते थे ना हम अकेले ही चले थे और पूरा जहाँ साथ हो गया, बहुत छोटे लेवल पे हम लेके गए थे इस फोरम को, मगर बहुत ज़्यादा एक बातों में एक बहुत बड़ा काम हो गया। बात हो रही अकील रेड्डी साहब की, तो मैं कुत्याना मेमन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ और ट्रेजरर भी हूँ और हमारे कुत्याना अस्पताल का मैं बोर्ड मेम्बर भी हूँ और हमारे MLF के और हमारी कुत्याना बिरादरी के पेट्रोल चीफ अकील रेड्डी साहब हैं। और परसों 3 दिन पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी जिसमें आप साफ़ी को ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सानिया हुआ है, नताशा हमारी मेमन बिरादरी की हमारी बेटी है, इनके साथ बहुत ज़्यादा यानी कि जुल्म हो रहा है मीडिया के ज़रिए। तो हमने तकरीबन हमारी 1 घंटा हमारी पूरे कराची के हमारे टॉप के लीडर बैठे हुए थे, एक ही बात हुई। उस चीज़ का एक सेंट्रल आइडिया था कि सिर्फ और सिर्फ मेमन बिरादरी के जो भी बड़े लोग हैं ना उनको दबाया जा रहा है, बदमाशी की जा रही है मीडिया के जरिए या कोई भी जरिए। आखिर में सेंट्रल आइडिया ये हुई कि मेमन का कोई लीडर नहीं है, मेमन का कोई रहबर नहीं है। तो हमने MLF पाकिस्तान चैप्टर MLS पूरी दुनिया में हमारी तकरीबन 55 ममालिक जो है, हम एक पेज पे आ गए हैं कि हमारे रहनमा ऐसे होने चाहिए जिसको बिरादरी पूरे पाकिस्तान लेवल बल्कि दुनिया लेवल पे हर आदमी उनको माने, और वो है हमारे अकील रेड्डी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। बात हो रही है एजुकेशन की, हमारे इदारे एज ए कुत्याना तकरीबन 9000 बच्चे पढ़ते हैं एजुकेशन के अंदर कुत्याना के, ओनली कुत्याना मेमन बिरादरी में लाखों पढ़ते हैं, जिसमें से 11% बच्चे सिर्फ कुत्याना के पढ़ते हैं। अदर पूरी कौम को यानी कि एजुकेशन देते हैं, तो हमारे ऊपर एक छाप लगी हुई है कि मेमन इंतहा पसंद है। मगर इस बात से साबित होती है कि हम 89% अदर कम्युनिटी के बच्चों को अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोगों को पढ़ाते हैं। बात हो रही है हेल्थ कार्ड की, तो हेल्थ कार्ड में हमेशा अपने मीडिया के जरिए बताता हूँ कि अलहमदुलिल्लाह अगर दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने एक जन्नत की है ना, मैं बताता हूँ कि हेल्थ कार्ड है। हेल्थ कार्ड का मतलब सेहत के हवाले से, हेल्थ कार्ड का मतलब ये है कि तीन बच्चे और मियाँ बीवी एक कार्ड के जरिए हम सलाम तकाफुल से ये वाला कार्ड ले रहे हैं, और तीन बच्चे और मियाँ बीवी जिसके जेब के अंदर ये कार्ड है वो बिना किसी की मोहताजी के, चाहे रात के 4 बजे हो चाहे दिन के 4 बजे हो, आप वो कार्ड लेके बगैर मोहताजी के पाकिस्तान की किसी भी अस्पताल के अंदर अपना इज्जत नफ्स के साथ वो कार्ड दिखाएं और 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। यानी कि आप ये कार्ड कुतिया अस्पताल के अंदर इस्तेमाल करें चाहे साउथ सिटी के अंदर करें, ये साल पूरा साल के अंदर वैलिड होता है ये कार्ड। तो हम रहीम जानू साहब जो प्रेसिडेंट साहब हैं, और प्रेसिडेंट की एक बात भी है कि देखिए एक बात होती है ना कि हमेशा एक प्रेसिडेंट साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे हाजी उस्मान परदेसी साहब ये कहते हैं कि आई एम नॉट अ लीडर, आई एम वर्कर। तो वर्कर की तरह काम करते हैं और इस तरह काम करते हैं कि एक सबको लेके चलते हैं, तो ही फॉर्म होते हैं। देखो एक फोरम या ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह से नाकामयाब होती है, एक होती है उसमें पैसों की कमी होती है और एक लीडर जो है ना वो सिर्फ ड्राइव उनकी सियासत करता है। हमारे मेमन ये है कि जो हम अवामी लीडर हैं, खाली हमारे को अप्रिशिएट करते हैं, जो काम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फोरम के अंदर वो लोग हैं कि एक साहब ने कहा था लीडर ने, कोई रेत तो नहीं किया, वाकई कराची का कोई टॉप का जो लीडर है वो हमारी MLF के अंदर सब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉन्फ्रेंस का भी बता दिया कि दुनिया की वो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ नहीं सकते, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद सीजन 2 भी इसके अंदर आ रहा है। तो इतनी बयान करेंगे हम तो एक तकरीर बड़ी हो जाएगी। अगेन आपको 100 खानदान 100 में फैमिली के हम कार्ड दे रहे हैं, और हमारी ये जो हेल्थ कार्ड था ना आज से पहले सिर्फ मेमन बिरादरी को था, तो आज आपके मीडिया के जरिए बताना चाह रहे हैं कि मेमन से हट के भी हमारी MLF यानी कि मेमन लीडरशिप फोरम मैदान में आ गई है। आप साफ़ी जो आप कहेंगे जिस तरह कहेंगे हम साथ लेके चलेंगे। जावेद मेमन से हमेशा बात होती रहती है, और आंखों का जो कहा रहीम भाई ने, मैं तो कहता हूँ कि एंड है ये काम भी रिसर्च के मुताबिक। तो हाजी मसूद साहब मौजूद हैं, रहीम भाई आप प्रेसिडेंट साहब हैं, जब भी होगा एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, जो मसले मसाइल होंगे हम हल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। कल में तमाम बातें आ गई और आज मैंने बहुत तफसील से बता दी, तो वैसे भी आज हमारा जो आज की जो मुलाकात थी पहला मरहला था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रेस क्लब मेरे लिए घर है, आता जाता रहता हूँ हमेशा से, सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह MLF की तरफ से आज 100 हेल्थ कार्ड दिए गए हैं ताकि वो अपने मेंबरों को दे सकें और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो हेल्थ के मामले में। और ये हेल्थ कार्ड 5 लाख रुपए तक की वैल्यू है। मियाँ बीबी और 3 बच्चे इस पर कवर होंगे। अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हो जाए तो वो हेल्थ कार्ड उसके जेब में होगा तो उसे कोई फ़िक्र और परेशानी नहीं होगी। कराची प्रेस क्लब की जो है, हम जब एक्ट होके आए, हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो हेल्थ पे, और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के और ख़ासकर साफ़ी बरदरी के अंदर जो हेल्थ का इशू है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आपने देखा मेमन फेडरेशन के लोगों ने जो जिस तरह से हमारी हेल्प की है, हमारे जो हेल्थ कार्ड का इशू है उसमें उन्होंने फ़िलहाल तो 100 लोगों को दी है। इसके बाद जो है मज़ीद इनिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह हम दूसरे जो हमारे मेम्बरान हैं उनके लिए भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कराची प्रेस क्लब का जो है हमेशा से एक किरदार रहा है कि अपने मेम्बरों को सहूलियात के लिए हम जो है कोशा रहते हैं, और आज भी जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अहम दिन है। बस देखें, हम तो शुक्रगुज़ार हैं MLF के कि जिस तरह उन्होंने हमारे मेम्बर्स के साथ ताउन किया है, और पहले मरहले में जिस तरह उन्होंने 100 हमें कार्ड दे रहे हैं और एक कार्ड जो है 5 लाख मालियत का है, तो 5 करोड़ रुपए की समझिए ये एक इमदाद है MLF की तरफ से। उसमें हमारी जो कोशिश ही होगी कि एक तो बेरोज़गार साफ़ी, और पहले मरहले में हम चाहेंगे कि जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो साफ़ी हैं उनको जो है ये हम कार्ड जो है ना जारी करें। नेक्स्ट जब हमें मज़ीद जब कार्ड मिलेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि जो नीडी हमारे जो बहुत ज़्यादा नीडी वो हैं उनको मेरिट की बुनियाद पर जो हम ये कार्ड जारी करेंगे। तो ये कराची प्रेस क्लब और आपको पता है कि दी डेमोक्रेट्स का तो हमेशा से ये एक रिवायत रही है, एक मिशन रहा, एक वतीरा रहा है कि जब भी जो डेमोक्रेट्स गुज़श्ता 14 साल से यहाँ पे कराची प्रेस क्लब में आप देखें डिलीवरी कर रहे हैं। आप देखें मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा है, ऊपर सोलर है, पीछे हमारा वुमेन कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो जिम है, आपके पीछे जो है हमारी हेल्थ क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है। तो जहाँ पे भी आप खड़े होंगे आपको डेमोक्रेट्स का जो है कोई ना कोई प्रोजेक्ट ही मिलेगा। तो लाजिम बात है कि हम जब यहाँ पे आते हैं, हमारे मेंबर्स हमें वोट देते हैं तो उसके नतीजे में हमें डिलीवर करना होता है। तो मैं अपनी डेमोक्रेट्स की क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जो हमें सपोर्ट भी करती है, हमें लाइन ऑफ एक्शन भी देती है, और उसकी रोशनी में हम जिस तरह जो है अपने मेंबर्स की खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये काम आगे भी हम और हमारे बाद जो आने वाली जो क़यादत है वो भी इस तरह जारी रखेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ कराची प्रेस क्लब का और उनके अहदेदारान का कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया और हमने आज जो मेमन लीडरशिप फोरम की नुमाइंदगी करते हुए, जो कि एक इंटरनेशनल तंजीम है, इस वक्त 55 ममालिक में मौजूद है, उनकी तरफ से हमने 100 हेल्थ कार्ड दिए हैं कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए। ये हेल्थ कार्ड है जो कि वो यूज़ कर सकता है कोई भी कपल और उसके 3 बच्चे। 5 लाख रुपए तक की लिमिट है उनकी साल की, और वो 150 हॉस्पिटल हैं पूरे पाकिस्तान भर में फैले हुए। वो बस कार्ड होगा, वो लेके जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा। और ये कि ये बहुत बड़ा और 5000 कार्ड इस वक्त तक हम इशू कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा मंसूबा है मेमन लीडरशिप फोरम का, और इंशाल्लाह हम कराची प्रेस क्लब के साथ इसको और बड़े तरीके से बढ़ाएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा MLA पूरी पाकिस्तान चैप्टर की पूरी टीम को, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे माशाल्लाह कराची प्रेस क्लब में एक हाई टी का इंतज़ाम किया। और एक हम इस मकसद हमारा ये था कि हम आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 ख़ानदानों को MLF के 100 जो हेल्थ कार्ड है उनको 100 ख़ानदानों को कराची प्रेस क्लब को शामिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कारवां चलता रहेगा, और ब्रिज का किरदार जो जावेद मेमन साहब और आप साफ़ी हजरात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर एक मीडिया वाले और MLA पाकिस्तान मिलके तमाम जितने मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हल करेंगे। शुक्रिया साबिर भाई। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, करम है कि कराची प्रेस क्लब में डेमोक्रेटिक ग्रुप जब से आया है तो मेम्बरान की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज भी मेमन लीडरशिप को यहाँ इसीलिए बुलाया गया था कि मेम्बरान के लिए हॉस्पिटल्स की सहूलत का दायरा वसी किया जाए, और मेमन लीडरशिप ने आज यहाँ पर यह ऐलान भी किया है कि वो मेम्बरान के लिए एक हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं जिसमें फैमिली के लिए मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी मेमनों के तमाम हॉस्पिटल्स में। और उसमें फैमिली इन्होंने 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी शामिल किए हैं, और एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इसको देखकर यकीनन और दूसरे फलाही इदारों को भी तरगीब मिलेगी, और कराची प्रेस क्लब के अरकान को ये सहूलत हासिल होगी, और कराची प्रेस क्लब के मेम्बरान की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा होंगी। मेमन लीडरशिप फोरम में वाइस चेयरमैन अपने रहीम जानू साहब के साथ यहाँ आज आए थे। हमने हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की है यहाँ पे साफ़ी बरदरान के लिए, और मेरा ताल्लुक ड्रीम वर्ल्ड से भी है, तो माशाल्लाह पता चलेगा आप लोग एनुअल पिकनिक भी प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी पॉसिबिलिटी होगी ड्रीम वर्ल्ड आप लोगों को इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेगा जावेद भाई के साथ और प्रेसिडेंट साहब के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मीटिंग करके इस काम को भी इंशाल्लाह फेवर देते हैं आपको। थैंक यू। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।